Compulsory education casts an obligation on the appropriate government and local authorities to provide and ensure admission, attendance, and completion of elementary education by all children. With this, India has moved forward to a rights-based framework that casts a legal obligation on the central and state governments to implement this fundamental child right as enshrined in the Article 21A of the Constitution in accordance with the provisions of the RTE Act. Faji. Faji. Man karta hai. Kya karna? Faji bande. Karan's grandparents prefer living in the college campus to provide a suitable learning environment for Karan and his siblings. After a monotonous day at school, Karan's excitement begins when he enters the Allnut Gates for the SSL evening classes. एसएसएल में कॉलेज वॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ने में तो ठीक है, पढ़ने में ठीक लगता है आपको? अच्छा, खेल कूद में कैसे? क्यों, तेरे को क्या बनना था? उसको क्या बनना था? उसको डॉक्टर बनना था। तो अचानक से वो फौजी क्यों बन गया? पता नहीं। अब क्या बनना था? मेरे को फौजी बनना है। फौजी? इससे ऊपर वाली पोस्ट वाला फौजी? क्या करेगा इसके साथ? उसके साथ उसको ऑर्डर दूंगा ना कि उसको बचाएगा। नहीं, घर में पढ़ते हैं, सीधे स्कूल पढ़े जाते हैं, सीएम पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़े जाते हैं। आपको क्या लगता है, पढ़ रहा है अच्छे से कर रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है आगे जाके क्या करना चाहिए? आगे अब उसकी आगे उसकी बात में जैसे पढ़ लेगा, उम्मीद जैसे करेगा, पढ़ाई जहाँ अच्छी करेगा, जो अच्छी बात बताएगा कहीं भी पढ़ेगा, उसके विषय में अपना अपना समझेगा उसका। वो आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ होगा करीब 30-35 साल हो गए आपको? पचहत्तर साल हो गए। वैसे आप कहीं से जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो सरकारी मिला हुआ है और अपना जमीन है, गांव में भी अपनी जमीन है, तो अगर यहाँ भी दिल्ली में भी अपना ले रखा है। अच्छा, ले रखा। इनके माँ बाप वहीं रहते हैं, नहीं घर पे भी रहते हैं, जो हम कहते हैं हमारे साथ कुछ आप भी बताते हैं। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के जो बच्चे हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं एंड दे कांट रियली अफोर्ड ट्यूशन्स एंड स्टाफ। बच्चे 10th 11th 12th में आने लगे हैं तो उनको एजुकेशन देने के लिए हम लोग शाम को ट्यूशन्स देते हैं इवनिंग क्लासेस। सो वी हैव फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वॉलंटियर्स हु वॉलंटियर टू टीच देम। इवनिंग क्लास में सेकंड स्टैंड इनफैक्ट केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे आते हैं। देयर आर मेनी पास्ट आउट स्टूडेंट्स आल्सो हु आर सो अटैच्ड टू देम, दे यूज्ड टू टीच इन द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अभी भी एमए कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, अभी आते रहते हैं। इवनिंग क्लास एवरी ईयर हैज अ बजट व्हिच इज बेसिकली वी प्रोवाइड देम विद स्टेशनरी बुक्स एवरी सेमेस्टर एंड एसएल प्रोवाइड्स अस विद दैट। नॉट ओनली दैट, वी आल्सो हैव अ पिकनिक एवरी सेमेस्टर एसएल इवनिंग क्लास पिकनिक which is funded by the SSL. We are going to start basic English classes because we have realized that most of them are from Hindi medium, so their English is kind of poor. So on Saturdays we are planning to start basic English classes for all of them below 8 standards. The personality develop ho rahi hai to wo yahan aa rahe hain, they know where they want to go yahan ke, they not only teaching them, they get inspiration from the teachers who are teaching them. Seeing the teachers they are studying in such a good college, they get inspiration ki hame yahan padhna hai, hum bhi kuch ban sakte hain. शुरू शुरू में इट लुक्स लाइक अ कमिटमेंट दैट यू हैव टू टीच दिस किड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरी इवनिंग यू नो दैट यू हैव अ फैमिली दैट यू कैन गो टू, एवरी इवनिंग आफ्टर टायरिंग डे यू कम एंड देयर आर किड्स हु आर लाइक दीदी भैया एंड दे कम एंड हग यू एंड स्टफ, सो यू नेवर फील अलोन एंड यू ऑलवेज नो दैट यू हैव फैमिली। Yeah.
आप क्या करना चाहते हो? सिंगर बनना चाहते हो? अब क्या प्लान है आपका, इसके बाद क्या करोगे? फैन बनाओ। चलो ठीक है। क्या अच्छा लगता है? डॉक्टर अच्छा लगता है? पर डॉक्टर बन जाओगे? डॉक्टर को क्या करना होता है? आप मरीज से इलाज करना। आईपीएस ऑफिसर। भारत के लिए कुछ करना था। Thank you.